हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आपका स्वागत है मेरे व्लॉग में, मेरे चैनल में। तो जो भी शाम के बज रहे हैं, कितने 8:15 हो रहे हैं और आज तुम थक गए, कहीं गए थे घूमते घूमते, इसमें से तो मेरे को लग रही है बहुत तेज भूख और मैं बना रही हूँ, इसलिए मैं रोटी बनाने का तो फिर मन ही नहीं करा, तो बना रही हूँ दाल चावल। दाल मैंने साफ कर दी है, यहाँ पर ये चावल में भिगो दिए और मेरा फोन जो है मीठा पानी वाला। तो जी ये है सेमी, सेमी को मैं मक्खन के अंदर फ्राई कर लूँगी और ये हो रहा है मेरा पतीला गरम, ठीक है। तो जी ये हो गया है मेरा पतीला गरम, इसके अंदर डालेंगे हम मक्खन। तो जी पतीला गरम हो गया है, डाल दिया मैंने इसके अंदर मक्खन। इसके अंदर मैं डालूंगी सैनी। तो जी ये मैंने अच्छे से कर ली है साफ, और ये छोटी वाली सैनी जो होती है बाजार में आसानी से मिल जाती है और फटाफट ही बन जाती है। ये मैं डाल दूँगी मक्खन के अंदर, ठीक है जी। और गैस को चला दूँगी क्योंकि मैंने गैस बंद कर दिया था और बंद नहीं करूँगी तो फिर मक्खन जल जाता। इसको मक्खन के अंदर भून लेंगे ब्राउन होने तक। मुझे देखिए सैमी अच्छे से हमारी हो गई है बिल्कुल लाल, और के डाले के अंदर डालेंगे हम दूध। ठीक है जी, और थोड़ी सी डालेंगे हम चीनी और इसको कर देंगे मिक्स अच्छे से। बनकर हो गई है बिल्कुल ये रेडी, बस थोड़ा सा इसको पकाना है ताकि ये हमारी सेमी सॉफ्ट हो जाए। थोड़े से डाल देंगे हम इसके अंदर काजू बादाम, ठीक है जी। थोड़ा सा डाल देंगे इसके अंदर और मिल्क पाउडर थोड़ा सा ही डालूंगी मैं, ताकि क्योंकि ना ये जो हमारी सेमी है ना, ये ना सारा दूध पी जाती है, इसलिए मैं इसके अंदर थोड़ा ही डाल दूँगा। पकाएंगे 5 मिनट के लिए और जी मैं आपको बता दो टाइम मुझे इतनी गर्मी लग रही है ना, तो बस मैं बता रही हूँ कि गर्मी लग क्या रही है, गर्मी तक हो रही है। थोड़ा सा और डाल दीजिए क्योंकि मीठा लग रहा है। और अगर आप मेरी वीडियो देख रही हैं, मेरे ब्लॉग अगर देख रही हैं, तो प्लीज़ थोड़ी बहुत भी अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, ठीक है जी। और क्या बनाऊँ, दाल चावल तो बना ही रहे हैं। हाँ मैं देखूँगी अभी ले कर आई थी मैं ये वाले टॉप्स, ये मेरे गोल्ड के हैं, छोटे छोटे अच्छे लग रहे हैं ना। तो ये हमारी बिल्कुल सेमी बनकर हो गई है रेडी, गैस को कर देंगे बंद और इसको निकाल देंगे एक बॉल के अंदर। अब बना लेते हैं चावल। चावल भी मैंने धो दिया और ये देखो ले जरा, ये मैंने इसके अंदर कितना सारा दूध डाला था और बिल्कुल सारा दूध हो चुका है गायब। अब इसमें मैं जब डालूंगी थोड़ी सी ना ठंडी हो जाएगी
और जिस टाइम खाएंगे ना उसी टाइम से हम इसके अंदर दूध डालेंगे, तब ज़्यादा टेस्टी लगेगी। ठीक है, और जी मैंने डाल दिया है इसके अंदर मेरे लिए दूध, क्योंकि अब मैं इसको खा कर देखने वाली हूँ। तो चलते हैं अंदर, एसी में बैठकर खाते हैं इसे, और जी देखते हैं खाकर कैसी बनी हमारी फटाफट, क्या बोलते हैं इसको, हाँ सॉरी सैमी। टेस्टी बनी हमारी सैमी, आप भी जरूर ट्राई करें। सिर्फ 2 मिनट लगते हैं इसे बनने में। मैगी के दरिया घी में भूनो, दूध डालो, चीनी डालो, बन गई। अब बना लेते हैं इसको, खाते हैं फिर बनाते हैं दाल चावल। तो जी ये है जलेबी फाफड़ा, आज हम लाए हैं जेठा लाल के फेवरेट जलेबी फाफड़ा, और देखते हैं खा के कि ये कैसा लगता है। ऐसे करो ना, खराब हो गई। कैसे खाते हैं इसको, मिर्ची से? नहीं ऐसे ऐसे करो। जो कि टेस्टी है, तो रखते हैं मिर्ची के साथ, लगाते हैं चटनी, टेस्टी है। तो जी फैमिली सैमी अमी हमने खा ली है, और अब ये भी ये जस्ट लेकर आया है दोबारा, छोटा वाला बेटा वो लाया है जलेबी फाफड़ा, मतलब जलेबी फाफड़ा तो नहीं है वो, मतलब हमलब जलेबी, मतलब उसके साथ जलेबी नहीं है, खाली फाफड़ा है और चटनी है और मिर्ची वाला अचार है। और पर मैंने जब खाया ना, इतना बकवास लगा मुझे तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे असली तो मिलेगा ही नहीं, मिलेगा यहाँ पर नकली। अगर असली खाना पड़ेगा तो हमको जाना पड़ेगा उसके लिए गुजरात, गुजरात कौन जाएगा, और दया बहन के पास जाना पड़ेगा अगर हमें असली खाना है तो। तो मुझे तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा बुरा लगा, और क्योंकि उसके साथ में ना जलेबी भी नहीं थी, तो इसलिए मुझे तो यार बिल्कुल बहुत ज़्यादा बकवास लगा, लेकिन इन्हों को तो अच्छा लगा। और साथ ही मैं इस ब्लॉग को यहीं पर ही एंड करूँगी, क्योंकि 5 मिनट का शायद हो चुका है, इसलिए। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं आपसे बाय, कल मिलते हैं।